हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो आज का वीडियो है आपकी मास्टर एप्लीकेशन के बारे में कि आप अपनी मास्टर की एप्लीकेशन कैसे डाल सकते हैं। एंड करेंटली पोर्चुगल में ओपनिंग्स चल रही हैं फॉर मास्टर एप्लीकेशंस, सो इसलिए मैंने सोचा मैं ये वीडियो आपके लिए बनाती हूँ एंड इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ यू गाइज। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट भी आई कि मुझे एक मास्टर का वीडियो बनाना चाहिए, सो हियर इज़ दिस वीडियो फॉर यू गाइज। और अब हम बात करेंगे कि लाइक मास्टर्स इन पोर्चुगल वाई, लाइक हमें क्यों सेलेक्ट करना चाहिए पोर्चुगल में मास्टर्स करना। तो उसका एक रीज़न ये है कि जो हमारी स्टडीज़ होती हैं पोर्चुगल में वो उस पीरियड ऑफ टाइम में भी काउंट होता है हमारे पीआर के लिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ मास्टर्स के लिए आ रहे हैं फॉर 2 ईयर्स, आपका वो टाइम आपके पीआर रिसीव करने के लिए काउंट होगा। प्लस आपको लाइक बहुत अर्ली आपको आपका कार्ड मिल जाएगा, लाइक द टेम्प्ररी रेजिडेंस कार्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आई पीएचडी के लिए तो मुझे 4 मंथ्स के अंडर मेरे को टेम्प्ररी टीआरसी, जिसे कहते हैं टेम्प्ररी रेजिडेंस कार्ड, मुझे यहाँ का मिल गया। प्लस मेरी स्टडीज़ काउंट हो रही हैं फॉर माई पीआर, सो मेरा ऑलरेडी 1 साल हो गया है, सो दैट इज़ काउंटेड। एंड आफ्टर 5 ईयर्स मैं यहाँ अप्लाई कर सकती हूँ फॉर परमानेंट रेजिडेंस। सो हमें पढ़ाई के साथ साथ ये एडिशनल बेनिफिट मिलता है पोर्चुगल में आके पढ़ाई करने का, ताकि हम पीआर एक सही टाइम पे अटेन कर सकें। सो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि आई केम टू पोर्चुगल। इसके अलावा जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, लाइक द अमाउंट ऑफ मनी आई एम स्पेंडिंग टू लिव और टू स्टडी हियर इज़ लेसर। सो आप बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे यूके वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर पढ़ाई का अच्छा है, मैं मानती हूँ इट्स गुड, बट इट्स पोर्चुगल में भी इट्स द सेम। यहाँ पे आने के बाद आपके एक्सपेंसेस थोड़े कम होते हैं, और तीसरी बात कि लाइक आपका लाइफस्टाइल इज़ गुड, एक यूरोपियन लाइफस्टाइल होता है। प्लस आपको आपके परमानेंट रेजिडेंस मिलने में थोड़ा बेटर है कंपेयर टू यूएस और यूके, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्टडी पीरियड है वो भी काउंट होता है आपके परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए। सो दीज आर द बेनिफिट्स। सो अब आते हैं मेन बात पे, लाइक आपको एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करनी है एंड क्या टाइम होता है। सो जो पोर्चुगीज एप्लीकेशंस होती हैं वो साल में 3 कॉल्स निकालती हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। ये सेम होती है फॉर बैचलर्स और फॉर मास्टर्स और इवन फॉर पीएचडी, ठीक है। तो ये कॉल जो है, एक कॉल जो होती है वो इसी टाइम पीरियड में आती है, लाइक अराउंड मार्च। एंड इसमें ये फर्स्ट पीरियड होता है, तो अगर आपने जैसे एप्लीकेशन डाली एंड आपकी एप्लीकेशन किसी यूनिवर्सिटी में किसी डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो गई है, तो आप सेकंड कॉल डाल सकते हैं जो अराउंड मई आती है। एंड उसके बाद जो फाइनल कॉल होती है वो आपकी आती है अराउंड जुलाई अगस्त। सो आपके पास 3 बार अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप 3 बार अपनी एप्लीकेशन आप मास्टर्स के लिए डाल सकते हैं। सो अब मैं बात करूँगी डॉक्यूमेंट्स की। सो आपको यहाँ पढ़ने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और आप कैसे अपने एडमिशन के चांसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में। सो बेसिकली पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि यहाँ पे 15 यूरो से 50 यूरो तक आपकी एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस जाती है, जो कि आपकी तब आपको पे करनी होगी जब आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे, और हर यूनिवर्सिटी की अलग फ़ीस होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको थोड़ा अमाउंट इनिशियल डेज में आपको स्पेंड करना है। सो इसके अलावा आपको चाहिए आपका सीवी, जो कि हर लाइक क्राइटेरिया, लाइक बैचलर्स में आए, चाहे मास्टर्स में आए, चाहे आपके पीएचडी में आए, आपको इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो आपका सीवी में क्या क्या होना चाहिए, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपने अगर कोई पब्लिकेशंस की हैं अपनी मास्टर्स के टाइम पे वो, उसके अलावा आपका होना चाहिए उसमें आपका एक्सपीरियंस। मान लीजिए आपने बैचलर्स के बाद कोई जॉब ली है, तो आप अब उस जॉब को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड आपका वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। प्लस आप यहाँ पे आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा कि नहीं, इस बंदे के पास एक, दिस इज़ एन एडिशनल पॉइंट जिसकी वजह से हम इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा
अगर आपने कुछ अलग से पार्टिसिपेशन किया है किसी कॉन्फ्रेंसेस में, या आपको कोई अवार्ड्स इशू हुए हैं, या आपकी कोई स्कॉलरशिप थी जो आपको मिलती थी क्योंकि आपकी मेरिट की बेस पे, या आपकी और लाइक फंडिंग आपको कोई मिली है किसी प्रोजेक्ट के लिए आपकी बैचलर्स के टाइम पे, तो आप वो सब भी मेंशन कर सकते हैं और वो आपको बहुत बेनिफिट देगा बाद में। इसके अलावा आपको एक चाहिए पासपोर्ट, आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के बिना तो आप बाहर आ ही नहीं सकते हो। सो दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके अलावा आपको चाहिए आपकी ग्रेजुएशन, लाइक आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री, जो कि अपोस्टाइल होनी चाहिए। अपोस्टाइल का जो वीडियो है उसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि आपको पूरा प्रोसेस कैसे करना है, एंड इट्स अ मैंडेटरी थिंग जो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी ने आपको बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आप अगर अभी नहीं दे सकते तो आप अपोस्टाइल, आपके एडमिशन अगर कन्फर्मेशन हो जाए तब चाहिए, तो आप तब भी करा सकते हैं। लेकिन आप प्रेफर करिए कि आप इसे पहले ही करा लें, क्योंकि आपको एम्बेसी में जब आप वीज़ा डालेंगे तभी भी आपको ये चाहिए। और उसके बाद मान लीजिए बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ अवेरो है, ठीक है, तो जब मैंने वहाँ एप्लीकेशन डाली थी तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सो अगर आपके पास वो तब नहीं है तो इट्स अ लॉस फॉर यू। सो ट्राई टू गेट दैट अपोस्टाइल स्टैम्प एज सून एज यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके अलावा आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको एक बनाना होता है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर में आपको मेंशन करना होगा इनिशियली कि आप अपना ब्रीफिंग देंगे फर्स्ट पैराग्राफ में। ट्राई टू मेक लाइक 3 पैराग्राफ मैंडेटरी। पहले पैराग्राफ में अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन और आप क्या क्वालिफाई करके आए हैं, आपका कैसा स्कोर रहा है। सेकंड में यू कैन मेंशन कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और आप क्यों इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड देन थर्ड पैराग्राफ में आप उनको अपनी वैल्यू बताइए कि लाइक क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं एंड इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशंस हैं, और मैं किस हद तक इंटरेस्टेड हूँ उस डिग्री को परस्यू करने में, और आप क्यों एक बेटर कैंडिडेट हैं। तो ट्राई टू मेक मोटिवेशन लेटर 3 पैराग्राफ्स का, एंड तीनों में अपना एक क्राइटेरिया बना के उसको अच्छे से लिखिए। जितना बेटर होगा वह लेटर उतना आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं आपके एडमिशन यहाँ होने के। सो बेसिकली मास्टर्स में आपके यही मेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं एप्लीकेशन के। मेक श्योर कि आप अपनी जो आप अगर आप मास्टर्स के लाना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करें। पोर्चुगल में पढ़ना इज़ वेरी लाइक गुड और चीप, और यूरोप आने के लिए इट्स अ वेरी गुड कंट्री। और मेरे अकॉर्डिंग टिल नाउ मुझे 1 साल होने वाले हैं एंड आई रियली लाइक लिविंग हियर। सो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ आएँ, क्योंकि इस कंट्री में मैंने देखा है बहुत लोग प्रिफर नहीं करते हैं, बट अगर आप यहाँ के बेनिफिट्स को चेक करेंगे, लाइफस्टाइल चेक करेंगे, लोगों को चेक करेंगे, पीपल आर सो फ्रेंडली, इतने हेल्पफुल लोग हैं, एंड इट इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे। ऑल्सो अगर आप यहाँ एडमिशन के चांसेस अपने इंक्रीज और करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रोफिशिएंसी चेक कर सकते हैं अपनी पोर्चुगीज़ की। तो आप आने से पहले कोई पोर्चुगीज़ का कोर्स ले सकते हैं एंड किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से, एंड उसके सर्टिफिकेट्स अगर आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे तो आपको एक अपर हैंड मिलेगा कि नहीं इस इंसान को, लाइक इस स्टूडेंट को एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा, हमारी अपनी लैंग्वेज एक्स्ट्रा आती है, भले ही बेसिक्स है, तो ही और शी कैन सर्वाइव हियर। तो ये आपको बेनिफिट देगा। सो ये है आपकी मास्टर की एप्लीकेशन का प्रोसेस। एंड राइट नाउ मेरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बियारा इंटीरियर में एप्लीकेशन खुली हुई है। सो मे बी अभी मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ कि आप मेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके ये एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर मास्टर्स। ये है मेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। माई यूनिवर्सिटीज़ नेम इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ बियारा इंटीरियर। ये कोविला की एक बहुत रेनाउड यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ पोर्चुगल की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से आती है। सो मैं आपको शो करूँगी यहाँ की मास्टर एप्लीकेशन आप कैसे डाल सकते हैं। सो फर्स्ट वाला लिंक है, आप यहाँ जाएंगे
एंड जब आप ये लिंक खोलेंगे तो आपको सारे फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड सब दिखेंगी एंड उनकी डेडलाइंस भी दिखेंगी। इसके बाद मैं आपको जाना है सेकंड साइकिल कोर्सेज पे। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर सेकंड साइकिल के रिक्वायरमेंट्स। सो ये सितंबर इनटेक के लिए है। सो आपके ये मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ शो हो जाएंगी कॉल्स कि आपको ओपनिंग सभी चल रही हैं। सो यहाँ पे शो हो रही है फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड थर्ड जो अगस्त के अराउंड आती है। और यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 15 यूरोस, जो कि रिफंडेबल नहीं होती है अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो भी। सो इसके बाद आप जब ये फर्स्ट वाला आप कैंडिडेचरा देख रहे हैं, इसको आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ आप क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले लिंक पे। लिंक क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको एक बार फिर से वहाँ बताया जाएगा कि लाइक आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपनी लाइक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और आपका जो बैचलर्स की डिग्री है उस पर अपोस्टाइल का स्टैम्प होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है अपना, तो आपको यहाँ जाके रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे डिटेल्स मांगी गई हैं, ये तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ से आप अपनी ईमेल पर जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप लॉगिन कर सकते हैं, अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, आपका फॉर्म ओपन होगा एंड आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एंड जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। सो मेक श्योर कि आप वो पेमेंट करें एंड अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें एंड फाइनलाइज करें। सो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको पूरा बताया कि आपको एप्लीकेशन कैसे डालनी है। मेरी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दे के शो करना चाहा कि लाइक आप अपनी एप्लीकेशन कैसे डाल सकते हो। सो प्लीज़ ट्राई करिए एंड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मेरा लिंक्डइन का लिंक मेरे अबाउट में है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। ऑल्सो मैं नेक्स्ट वीक फॉर श्योर नेक्स्ट वीक मैं वीडियो डालूंगी बैचलर्स के लिए, लाइक आप बैचलर्स के लिए यहाँ कैसे आ सकते हैं, उसका प्रोसेस थोड़ा मास्टर्स और पीएचडी से डिफरेंट होता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉर श्योर नेक्स्ट वीक अराउंड थर्सडे और फ्राइडे मैं बैचलर्स का वीडियो अपलोड करूँगी। एंड अगर आप यहाँ बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, और इस वीडियो को भी प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे लिए मोटिवेशन के लिए कमेंट करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड चैनल को सपोर्ट करिए, आगे ले जाइए इसे जितना आप ले जा सकते हैं। एंड Do subscribe, don't forget to subscribe. I also try really hard कि मैं आपके लिए important videos बना सकूँ, so please मेरी मेहनत को support करिए and thank you so much for watching. See you in my next vlog. Bye.